नारद जी के अंदर प्रथम गुण था दीनता, सेवा के लिए दीनता चाहिए। दीनता ना पात्र मा मन मणि मुकी भेंट भगवंत जी ने धर्शो जी। दूसरा उनके अंदर गुण था अनुवर्तन यानी तत्सुखात्मक भाव। तीसरा गुण था अल्प भाषणम और चौथा था शुश्रूषा। नारद जी कहते हैं मेरा यह मानना है जब तक जीव भगवान के निर्मल गुणों का गान नहीं करता, चाहे उसकी वाणी अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, रस भाव से युक्त क्यों ना हो, पर जो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का कभी गान नहीं करता, उसकी वाणी तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी गई है। तो मेरा यह मानना है व्यास जी कि आप भगवान के निर्मल यश गुण, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण करने के लिए तो इन ग्रंथों की रचना की। परम पांचवा परम पावन तत्व भक्ति प्रेम, वह प्रेम तत्व प्रकट हो जाए उसके लिए आप कुछ दिव्य ग्रंथ की रचना करें, आप भागवत की रचना करें। जब आप समाधिस्थ होंगे तो समाधि में भगवान नारायण ही, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म ही आपके मुखारविंद से उस भागवत को प्रकट करेंगे। आप भागवत की रचना करें। नारद जी ने भागवत की प्रेरणा दी और फिर व्यास जी समाधिस्थ हुए। समाधि में बैठकर व्यास जी ने भागवत का अनुभव किया, सोचा कि अब इस भागवत का प्रचार होना चाहिए। कैसे हो तो कुछ उनके जो शिष्य थे उनको भागवत के कुछ श्लोक सिखाए। बरहा बीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम भेदयंती चमालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और दूसरा श्लोक अहो बगीयम स्तनकाल कूटम जिंगासि पाया यदप्य साध्वी लभे गतिम व्यादुचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे में। और श्री महाप्रभु जी के मतानुसार इन दो श्लोकों के साथ वृत्रासुर चतुश्लोकी के भी दो श्लोक, उन कुछ बहुत पुण्य जिसने किए थे ऐसे ऋषि कुमारों को वह श्लोक सिखाए। और वह ऋषि कुमार इन श्लोकों का आवर्तन किया करते, वन में संहिता लेने जाते, जोर जोर से श्लोकों का गान करते। वहीं पे यह श्लोक सुखदेव जी ने श्रवण किया। श्लोकों को सुनकर मन इन भागवत को सुनने के लिए लालायित हुआ और उन ऋषि कुमारों ने कहा कि यह श्लोक तो आपको व्यास जी से ही अधिक सुनने मिलेंगे, हमें तो कुछ श्लोक ही सिखाए हैं। और फिर सुखदेव जी महाराज जो पिता को छोड़ के चले गए थे लेकिन भागवत के श्लोकों का श्रवण करते अपने आप को रोक न पाए और व्यास जी के पास आए और कहने लगे, हे पिताजी, जो मेरे में कुछ योग्यता पात्रता हो तो मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूं। व्यास जी जानते थे कि भागवत का प्रचार ये सुखदेव जी के द्वारा ही होगा और फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को वह भागवत का श्रवण करवाया। जब भागवत का समाधि में अनुभव किया तो उस समय कुरुक्षेत्र का वर्णन करने में आया, यानी भागवत के जो मुख्य श्रोता परीक्षित उनकी जन्म की कथा आती है। कुरुक्षेत्र का वर्णन किया, युद्ध पूर्ण हो चुका था। भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, वहीं पे अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा कि भाई यहाँ प्रातः सुबह होते ही होने से पूर्व ही मैं पांचों के धड़ मुख तुम्हारे पास ले आऊंगा। रात्रि के समय में गया, उनके पांच पुत्रों को मार दिया। यह देखकर दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। यहां पे जब द्रौपदी विलाप करने लगी, हे सके भगवान को पुकारा, जब उनके मृत बालक के शरीर देखे, लहुओं के सरोवर देखे, श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न उठाया निबंध में कि यह द्रौपदी तो भगवत भक्त है, उसको विलाप क्यों हुआ। साधारण दृष्टि से हम सोचेंगे कि भी उसके पुत्र मर गए तो विलाप तो करेगी ही, लेकिन महाप्रभु जी निबंध में समझा रहे हैं कि यह द्रौपदी भगवत भक्त है और भगवत भक्त के अंदर धैर्य होता है, वह लौकिक कारणों से विलाप नहीं करते।
यह द्रौपदी तो क्षत्रानी है और क्षत्रानी जब अपने बालक को तिलक करके रण में भेजती है तो ये चाहती है कि भाई वहीं उसकी वीर गति को वो प्राप्त हो जाए। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि ये इस प्रकार से मेरे बालकों की मृत्यु हुई, ब्राह्मण के हाथ से मेरे बालक की मृत्यु हुई, निद्रा की अवस्था में मेरे बालक की मृत्यु हुई, तो इनको उत्तम गति नहीं होगी। हे नाथ, आप पधारें, मेरे बालकों का उद्धार करें। इसलिए द्रौपदी ने विलाप किया। भगवान पधारे, जाने अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, कहो अब इसको क्या दंड देना है। द्रौपदी जी कहते हैं मुच्छिताम, इसको छोड़ दिया जाए। एक तो यह आपके गुरु का पुत्र है, उसको हम कैसे मार सकते हैं, कितने उसके उपकार हैं। और न भूलो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमसेन अर्जुन आदि बड़े क्रोधित, कुछ दंड तो देना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान वो उसके मृत्यु के समान है। मणि को निकाल दिया, अपमानित करके उसको वहां से भेजा। अश्वत्थामा को और क्रोध आया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि ये जो पांडवों का बीज है उत्तरा के गर्भ में उसको ही मैं नष्ट कर दूं। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा वहां पे उत्तरा भगवान को पुकारने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरे गर्भ में आपके भक्त का बालक है, आप इसकी रक्षा करें। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गर्भ को लपेट लिया। सुदर्शन चक्र वैष्णव है, श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि यह सुदर्शन चक्र वैष्णव है और वैष्णव तेज से ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया। परीक्षित के प्राकृत देह को जलाकर भगवत भाव को प्राप्त हुए वैष्णव देह भगवान ने बना दिया। यह भगवत संबंध का प्रभाव है। भगवत संबंध से प्रभाव से प्राकृत देह अलौकिक वैष्णव बन गया, वैष्णव देह बन गया। आज हम ब्रह्म संबंध लेते हैं और ब्रह्म संबंध के द्वारा हमारा यह देह वैष्णव देह बन जाता है। तो ठाकुर जी ने उसके शरीर को वैष्णव के द्वारा, यानी जो सुदर्शन वैष्णव है, उसके तेज से उसके देह को अप्राकृत और अलौकिक बना दिया, उसकी रक्षा की। और फिर जहां भगवान द्वारका जाने के लिए पधारने लगे, रथ में विराजे, वहीं पे कुंता जी, सुभद्रा आदि सभी लोग वहां पे आकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रभु की विनती करने लगे, स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर यह श्री कुंता जी की स्तुति है, बड़ी सुंदर। श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में बात बताई कि सब स्तुतियों में ये श्री कुंता जी की स्तुति सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तीन स्थानों पर स्तुति होती है। एक सुख में भगवान की स्तुति होती है, दूसरा दुख में होती है, और तीसरा अंतिम समय में भगवान की स्तुति की जाती है। उत्तरा ने दुख में भगवान की स्तुति की, भीष्म जी ने अंतिम समय में भगवान की स्तुति की, पर यह कुंता जी ने जब उनके जीवन में सुख आया उस समय भगवान की स्तुति की। इसलिए श्री आचार्य चरण बताते हैं कि कुंता जी की स्तुति सबसे श्रेष्ठ है। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, स्वरूप गुण लीला भी दुष्ट दुर्गेत्व लक्षण जन्म कारण निर्धार फल दैन्य निजार्थ नहीं ही। कुंता जी ने तीन श्लोकों में भगवत स्वरूप का वर्णन किया, दो श्लोकों में भगवत गुणों का, तीन श्लोकों में भगवत लीला का, चार श्लोकों में दुष्टों से भगवान दुर्गीय हैं उसका वर्णन किया, दो श्लोकों में भगवान के लक्षणों का वर्णन किया, चार श्लोकों में भगवान के जन्म कारण का निर्धार का वर्णन किया, एक श्लोक काल रूप है, चार श्लोक दैन्यता का स्वरूप है, दो श्लोक में प्रार्थना का भाव बताया और अंत में एक श्लोक नमस्कार प्रतिपादन करता है। इस प्रकार से 26 श्लोकों में श्री कुंता जी ने भगवान की स्तुति की है। आइए यह सुंदर कुंता स्तुति के दर्शन।
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाट्योदरो यथा हे प्रारंभ किया। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव भगवान को नमस्कार के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकता, उसके पास और कुछ सामर्थ्य है ही नहीं। किमासनं ते गरुडासना किं भूषिताय कौस्तुभ भूषणा। हम उस भगवान को क्या दे सकते हैं, तुम उसके लिए ऐसा कौन सा मंदिर बनवा सकते हो। गरुड़ जिसका आसन है, जो कौस्तुभ मणि धारण करता है, उसके लिए तुम कौन से श्रृंगार ला सकते हो। अरे जो वाणी के पति है, उसके लिए तुम क्या स्तुति कर सकते हो। केवल नमस्कार ही जीव कर्तव्य है। भगवान को दैन्य भाव से जीव नमस्कार करे, बस यही जीव का सामर्थ्य है, और जीव का कुछ सामर्थ्य है ही नहीं। नमस्कार किया। अरे बुआ आप क्यों नमस्कार कर रहे हो, मैं तो आपसे छोटा आप तो बड़े। नहीं भगवान, मैं आपके स्वरूप को जान गई। देखिए अभी तक कुंता जी ने भगवान के स्वरूप को जाना नहीं था। वो लौकिक कुंता जो व्यवहार संबंध था उसको देख उस रूप से देखती थी, लेकिन अब जान गई कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। नमस्ये पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति हे परम आध्याय पुरुष हे प्रथम पुरुष, आप ही इस जगत की उत्पत्ति के कारण हो। मैं उस अध्याय पुरुष को नमस्कार कर रही हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, मैं उस अध्याय पुरुष को नमस्कार कर रही हूँ कि जो अंतर बहिरवस्थितम, जो अंदर भी है, जो बाहर है, जो सर्वत्र है, मैं उस व्यापक स्वरूप को नमस्कार कर रही हूँ। आप सर्वत्र है, लेकिन आपके स्वरूप को हर एक कोई जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी माया सब जगह फैली हुई है। माया चवनिका छन्न मव्यादोक्षजमव्ययम् अलक्ष्यं न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाट्यो धरो। आपकी माया सब जगह फैली हुई है, और जीव भी उस माया में आकर, जिसकी दृष्टि में माया है, वो आपके स्वरूप को जान नहीं सकते। जिस प्रकार से जैसे नट स्त्री रूप धर कर नाचता है, नृत्य करता है, तो जो नपुंसक तथा निरस स्त्रियों को श्रृंगार रस का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार साधारण जीवों को, आसुरी जीवों को आपके रसो वही सह स्वरूप का अनुभव नहीं होता। श्री महाप्रभु जी सोजनी जी में कहते हैं, जो जीव सरस है, सरस हृदय वाला है, जिसका हृदय सरस नहीं है, वह नपुंसक के समान है। नंददास जी ने रूप मंजरी में बड़े सुंदर भाव यह भाव व्यक्त किया। जागे सुना
गुनत गुनत मन सरसे सरस हो या रस वस्तु ही परसे रस परसे जिन तत्व न जाने अलि बिन कमल ही को पहचाने अलि बिन कमल ही को पहचाने जाके सुनत गुनत मन सरसे सरस हो या रस वस्तु ही परसे रस परसे जिन तत्व न जाने अलि बिन कमल ही को पहचाने। इसी प्रकार से जिसके दृष्टि में माया है माया में फंसा हुआ है वो आपके त्रसो वैसह रूप में दर्शन नहीं करता। आप तो भगवान किन के लिए प्रकट हुए हैं? देखिए भगवान के दर्शन नहीं होने के दो कारण, एक तो भगवान हम एक तो भगवान अपने स्वरूप को छिपा के रखते हैं। भगवान को वेदों में रसो वैसह बताया तो रस को ढांकने के लिए भगवान श्रृंगार वस्त्र भगवान ने पीताम्बर क्यों धारण किया? क्योंकि भगवान रस रूप है तो रस को ढांकने के लिए वस्त्र का आवरण चाहिए, आवश्यक है। तो भगवान रस रूप है, एक तो भगवान अपने आप को छिपा के रखते हैं और दूसरा कारण हमारी दृष्टि में माया है। तो ये दो कारणों के चलते भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। भगवान आपको किनके लिए प्रभु प्रकट हुए हैं? तथा परमहंसाना तथा परमहंसाना मुनीनां अमुना भक्ति योग विदानार्थं कथं पश्ये महि स्त्रियः भक्ति योग विदानार्थम। हे नाथ, जिसके हृदय में आपके लिए भक्ति है, भाव है, आप तो केवल उनको ही दर्शन देते हैं, बाकी मूड दृष्टि वाले आपके स्वरूप को जान नहीं सकते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नमस्ते पंकजाग्रे। नाथ, मैं आपके उपकारों का कहां तक स्मरण करूं? प्रभु आपके उपकार कितने हैं हम सब पर? भगवान के उपकारों का स्मरण कर रही है कुंता जी। भगवत उपकारों का स्मरण करने से हृदय में दैन्य भाव प्रकट होता है। साधारण जीव बोलता रहता है भगवान कृपा करो कृपा करो कृपा करो। अरे भैया, तेरे पे कितने उपकार हैं उसको तो तू याद कर। जे तो तेरे पे कृपा हो चुकी है उसको तो याद कर। सबसे श्रेष्ठ तो के मानव जन्म तुझे दिया भगवान की कृपा, आध्यात्मिक भाव दिया भगवान की कृपा, पुष्टि मार्ग दिया महाप्रभु जी जैसे गुरु दिए, भगवत सेवा का अधिकार दिया, और कितनी कृपा तुझे चाहिए। इन भगवानों के उपकारों का स्मरण करने से हृदय में दैन्य भाव आती है, दीनता आती है और दीनता सेवा में सहायक होती है। आपने प्रभु कितनी जगह मेरी रक्षा की, यहां तक कि आपने अपनी माता देवकी जी की इतनी रक्षा, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं की, उससे अधिक आपने मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की। ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरं शुचार्पिता विमोचः हंसः
एव नाथेन मुहुर्विपज्जनम्। हिडम्ब आदि राक्षसों के समय, लाक्षाग्रह के समय, दुष्टों की द्युत की सभा में, वनवास की विपत्ति के समय, अनेक बार युद्धों में, और अभी अभी अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से हमारे बालक की रक्षा, और वैसे भी गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान ही तो है।